नमस्कार, बीएनपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपने सुना होगा कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ये तो पुराना डायलॉग हो गया। अब नया डायलॉग है, बिहार में बाहर है डबल इंजन की सरकार है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में, और यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि डबल इंजन की सरकार में मुख्य मार्ग है यहाँ से। बकरी चाचा राय से चाचा से पूछते हैं, चाचा ये रोड जो कहाँ जा रहे हैं आप? समसा जा रहे हैं? समसे घर से भी आगे टूटा हुआ है। ये कौन सा विधानसभा पड़ता है? ये बकरी में। बकरी में विधायक जी कौन है? ये शंकर पासवान। ये सूर्यकांत पासवान। सूर्यकांत पासवान। तो ये कितना दिन से ये रोड टूटा हुआ है यहाँ से करेटार तक? अभी तो लगातार है, कहिए तो पाँच साल से ऊपर है। पाँच साल से ऊपर ये रोड टूटा हुआ हो गया, अभी कोई देखने वाला नहीं, कोई रिपेयरिंग नहीं, डबल इंजन की सरकार है। चलिए चाचा, तो बता दिए कि करेटांड तक टूटा हुआ है, पूरा जर्जर स्थिति है रोड का। हाँ, मतलब बारिश होने के बाद तो और भी नकारे है, मतलब चलने लायक नहीं है। चलने लायक नहीं है ना, जबरदस्ती कोई गाड़ी घोड़ा तो बहुत दिक्कत से चलता है। बहुत दिक्कत से चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई अभी क्या कहा जाएगा इसमें, कोई नहीं दिखता है तो मान लीजिए वही ना होगा। क्या कहना चाहेंगे आप विधायक जी को? क्या कहेंगे, बनाने का उद्देश्य करेंगे, बनाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ चलिए चाचा जी से पूछ लिए कि रोड यहाँ से, यहाँ देखिए बकरी का, बकरी खगड़िया का ये मेन रोड है, और यहाँ से जब नीचे उतरते हैं तो समसा तक पूरा टूटा हुआ रोड है। चलिए एक और आ रहे हैं हमारे भाई साहब, इनसे पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं सर जी आप? बेगूसराय से। बेगूसराय से आ रहे हैं? हाँ। किधर से आ रहे हैं बेगूसराय से? ये चंदपुरा हो गया। चंदपुरा होके आ रहे हैं? तो हाँ। कहाँ से रोड टूटा हुआ मिला आपको? रास्ता में ये बगरस में कुछ रोड टूटा हुआ मिला मेरे को, फिर बीच में रास्ता ठीक, फिर यहाँ पे आपके जब जो सहारा हूँ मैं। ये कौन सा गाँव है? ये लोछे है। हाँ, लोछे। लोछे में गाँव। ये रोड बहुत गंदा है, बहुत रोड गंदा है, थोड़ा डैमेज है। आपको उस पर काम होना चाहिए, जो यहाँ के लोकल मुखिया या जो भी एनबडी है उनको काम। जा पाते हैं? आना पड़ता है उधर रास्ता। हम बगरस के रोड से जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? दसवीं क्लास में। दसवीं में पढ़ते हैं। सिस्टम पे कुछ सवाल आपको करना है, जो विधायक हैं इस क्षेत्र के, जो इस रोड का स्थिति है। हाँ, सिस्टम पे सवाल करना है ये कि हमारा सिस्टम जो है वो जल्दी फैसला नहीं लेता है। मतलब ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है और बिहार में भी है। हाँ, बहुत बढ़िया नहीं है। चलिए, हमारे स्टूडेंट का कहना है कि डबल इंजन की सरकार है। कैमरा लेके थोड़ा इधर आइए, और कुछ हमारे स्कूल के ड्राइवर से बोलना चाहते हैं सरकार को, खास करके विधायक जी को, और जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। बच्चों को काफी दिक्कत परेशानी होती है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रोड की परेशानी की वजह से बच्चों का टाइम हम कम से कम एक घंटा वेट करते हैं। जी सर, अगर इधर से हम आए तो हमारा 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से करेटार, और करेटार से बच्चा उठाते हुए हम फिर बकरस वापस आते हैं, जबकि 6 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। ड्राइवर साहब का कहना है कि 10 मिनट का रास्ता हमको आधा घंटा तय करना पड़ता है, और बहुत ही दिक्कत होता है स्कूल टाइमिंग। बच्चों के साथ भी, भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है, और एक बच्ची यहाँ बैठी हुई है बगल में, बहुत ज़्यादा परेशान है पसीना से ही रोड के वजह से। तो बच्ची से पूछना, क्या नाम है बाबू? अदिति रंजन। अदिति, अदिति रंजन है। अदिति रंजन उसका नाम है। हाँ। तो विधायक जी को कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ,
हाँ हम देना चाहते हैं क्या इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवा दे, जल्दी से जल्दी बनवा दें। हाँ। और अपना लाल बत्ती ताम धाम बंद करना पड़े तो भी करके इस रोड को बनाया जाए। यस जी, रोड को बनाया जाए ना। बनाया जाए, बनाया जाए। अच्छे बच्चे स्कूल के बच्चे हैं और रोड बनाने के लिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।